नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया है। बदमाशों द्वारा पुलिस से भागने के लिए किए गए हमले के दौरान एक आरक्षक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जबकि दूसरे के भी हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है। आपको बता दें, मंगलवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे ब्रजेश पांडे नामक युवक से उस वक्त ऑटो चालकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जब वह इंदिरा नगर से पड़रा मोहल्ला जाने के लिए ऑटो में बैठे थे। इस दौरान ऑटो चालकों ने पीके स्कूल के पीछे ले जाकर उनके साथ मारपीट कर 7,000 नगद व मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित ने वारदात की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई थी। समान थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए साइबर सेल की मदद से संदेहियों का लोकेशन निकाला। बदमाशों का पता चलते ही एसपी विवेक सिंह ने सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को तत्काल टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने बदमाशों को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरहा के समीप घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने जिस दौरान आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपी एक वैगनार कार में बैठे हुए थे, और जैसे ही उनकी नजर पुलिस के ऊपर पड़ी तो पुलिस की घेराबंदी तोड़ने के लिए आरोपियों ने कार को पुलिसकर्मियों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान एक आरक्षक कार के सामने वाले हिस्से में बोनट के ऊपर छलांग लगा दिया, फिर भी बदमाश भागने का प्रयास करते रहे। इस दौरान आरक्षक कमलराज सिंह का हाथ टूट गया है, जबकि एक प्रधान आरक्षक शिवा के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। फिर भी पुलिस ने जान जोखिम में डालकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के हाथ लगे आरोपियों में इमरान उर्फ इब्बू और सोनू टकला, दोनों निवासी अमहिया शामिल हैं। बताया गया है कि दोनों आरोपियों पर पूर्व में भी लूट और राहजनी के मामले दर्ज हैं। यह दोनों आरोपी रीवा जिले के गढ़, सीधी जिले के रामपुर नैकिन और सतना जिले के नागौद थाने से भी फरार हैं, जहां की पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहीं घायल आरक्षकों का इलाज कराया गया है। कल थाना सम्मान के अंतर्गत एक फरियादी ब्रजेश कुमार पांडे रिपोर्ट करने आए थे कि जब वो सिरमौर चौराहे साइड वो ऑटो ले रहे थे, तब उनके ऑटो में जो लोग बैठे थे उन्होंने उनसे पैसा छीना और मोबाइल छीना और दांत से काट के गिरा के उनको भाग गए थे, जिसके आधार पर इसमें तत्काल पुलिस ने अपराध दर्ज करके अपनी टीम्स लगाई थी, और पुलिस सम्मान पुलिस और बाकी जो कंबाइंड टीम है उसको सफलता मिली है 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ने की। और इन आरोपियों के नाम इमरान शाह उर्फ इमरान खान उर्फ इब्बू और अली असगर उर्फ सोनू मंसूरी ये मिले हैं। ये थाना अमहिया के रहने वाले हैं, और एक आरोपी जो फरार चल रहा है वो ताज मोहम्मद मनगवा क्षेत्र का है। सर, उनके पास कार बरामद हुई है, तोड़फोड़? हाँ बिल्कुल, जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तब इन्होंने पुलिस पे भी वो कार चढ़ाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ अन्य तरीके से भागने की कोशिश की, और जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, और जिसमें एक पृथक से भी प्रकरण इसमें दर्ज किया गया इन तीनों आरोपियों के खिलाफ। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये इसमें जो कल के घटनाक्रम है उसका तो हमें मोबाइल और वो सब भी मिल गया है, इसके साथ साथ इन्होंने 6 अन्य लूट और उससे संबंधित प्रकरण, जो पुराने अनसुलझे अपराध थे, वो भी हमारे खुलासे हुए हैं। इसमें थाना समान का 548/22 है, थाना गढ़ का 9/23 है, थाना सिविल लाइन का 202/23 है, विश्वविद्यालय का 145/23 और रायपुर कर्चुलियन का 5/23 और सिविल लाइन का 49/23। ये मोटा मोटा मोडस ऑपरेंडी इनका ऐसा ही है कि मोबाइल और पैसा जहां भी मौका पाता था वहां छीन के ले जाते थे, और इसमें भी इन्होंने ऐसा किया था कि ऑटो में जब ये बैठे थे फरियादी तो उनको किसी तरह बहाने से, उल्टी होने के बहाने से उनको बीच में बैठाया, और फिर उसके पॉकेट से पैसा निकालने लगे। जब फरियादी को पता चला तो फिर और फ़ोन जैसे ही निकाला फरियादी ने तो उसका फ़ोन छीन के और पैसा छीन के फिर वहाँ से भाग गए थे। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था, इस प्रकार से पुलिस की टीम ने इसमें खुलासा किया था। इसमें हमारी टीम की तरफ से इसमें हितेन शर्मा और हर्षवर्धन तिवारी और प्रदीप कुमार, शिवाजीत, विवेक और कमलराज, जनार्दन, शरद, आशीष त्रिपाठी, इन लोगों ने अच्छी भूमिका, बहुत ही अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। अभी आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है, और संभवतः अन्य जिले यानी सतना, सिगरौली और सीधी में भी इस प्रकार की वारदातें कुछ हुई हैं, तो संभवतः उसमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, तो उसके संबंध में भी पूछताछ इनसे चल रही है। फरियादी हरिचंद तिवारी के पास फ़ोन आया कि आपका जियो का ये सिम बंद होने वाला है, और आप इस पर इतना पैसा आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें
तो फिर आपका ये सिम चालू रहेगा। और उसके बाद जब उन्होंने किया उस पर जब ट्रांसफ़र किया तो उनके खाते से 10 रुपये की बजाय 10 रुपये बोला गया था, लेकिन उनके खाते से करीब 89,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। और जब उनको समझ में आया तब फिर वो पुलिस के पास आए थे। पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर किया था और काफ़ी समय से इसमें पूरा लिंक निकाल रही थी, यहाँ की साइबर पुलिस और यहाँ की थाने की पुलिस मिलके इसको पूरा कर रहे थे। और उसके बाद इसमें हमने ये थाना बिछिया का केस है जिला रीवा का, और उसके बाद इसमें हमने जो एक आरोपी है जामतरा, आप लोग सभी लोग जानते हैं जामतरा झारखंड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से इस प्रकार के साइबर अपराध हो गए, तो वहाँ से प्रद्युम्न मंडल पिता कार्तिक मंडल निवासी ग्राम रामपुर थाना कर्माताड़ जिला जामतरा से गिरफ्तार करके लाए हैं। और अभी इससे पूछताछ चल रही है, इसके पास हमें 4 नग मोबाइल मिले हैं और कुछ सिम कार्ड भी मिले हैं। और जब उनका एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको और भी पता चल रहा है कि इसने और भी लोग से ऐसे ही धोखाधड़ी की है, जैसे एक हमने बालाघाट में हमने फ़ोन किया तो उनके साथ भी ऐसे धोखाधड़ी हुई थी, वहाँ भी FIR हुई है, तो उनके साथ करीब 40,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। एक अन्य भी हमको पता चला है जहाँ की 99,000 रुपये उसके गए हुए, तो अभी हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। PR लिया है हमने माननीय न्यायालय से और इसके जो जामतरा जिला है वहाँ तक भी जाके और भी देखेंगे किसका और क्या क्या लिंक है, कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, पूरा गिरोह कैसा है और कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसको भी हम लोग और देख रहे हैं। करते क्या है, ये करते हैं कि आपसे इन्होंने पहले ये चेक करेंगे कि जियो में जियो के नंबर उठाएंगे, कोशिश करते हैं जियो के नंबर, उसमें से वो कहेंगे कि चेक करेंगे किसके किसके उसमें है वॉलेट, कौन सा है, फ़ोन पे का है कि पेटीएम का है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो किसी का भी हुआ तो उन्होंने उसका फिर उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उसको किसी तरह से बातों में बहला के 2 ऐप्स आते हैं, आपको मालूम होगा एनी डेस्क ऐप है और एक और ऐप होता है, जिससे कि आपके फ़ोन पे क्या चल रहा है वो उनको दिखने लगता है, वो आपको डाउनलोड करा देते हैं आपको बातों बातों में, उसका एक OTP ले लेते हैं। जब वो OTP उनके पास मिल जाता है तो आपके फ़ोन पे क्या चल रहा है वो उनको दिखने लग जाता है, और जब वो दिखने लग जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि आप इतना 10 रुपये का रिचार्ज कर दो तो आपका फ़ोन एक्टिवेटेड रहेगा, आपका सिम एक्टिवेटेड है। अब जब आप 10 रुपये का रिचार्ज करे होंगे पेटीएम फ़ोन पे कोई भी आप चीज़, तो आपका वो पिन देख लेंगे उस समय, और जब वो पिन देख लेंगे उसके बाद फिर उसको अपना वो यूज़ करके आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा जितना उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उस प्रकार इनका ही मोडस ऑपरेंडी रहता है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें, इसका ग्रुप भी है, इसका ग्रुप है, हमको ये मिल पाया है, लेकिन इसके ग्रुप है और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप वहाँ काम करते हैं, तो हमारे जो FIR है उससे लिंक ग्रुप इसका था। नहीं नहीं, ये इसमें ये सिम भी अलग इनके नंबर का होगा, अकाउंट भी किसी से खरीदते हैं, मतलब उसको 2 तरीके से अकाउंट हैंडल करते हैं, या तो उसको एकमुश्त उन्होंने 5-10 हज़ार रुपये दे दे उसका डेबिट कार्ड अपने पास रख लिया और सारी चीज़ निकलते रहते हैं, या फिर उसको जो पैसा आता है उसमें से 10% 20% उसको देते हैं, तो इस तरह से भी ये पूरा इनका मॉडल रहता है काम करने का, तो ये काम करते हैं। वो आरोपी डिपेंड करता है, अगर उसको ये नहीं मालूम, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार वो अनपढ़ व्यक्ति से उसने अकाउंट खुलाया कुछ साइन कराया और उसके बाद अपना डेबिट कार्ड अपने पास ले लिया, उसको कह दिया कि 2,000-4,000 आपको मिल गया। ये तो देखिए ये जामताड़ा में है जो स्पेशलाइज्ड वहाँ का क्राइम है तो वहाँ के, लेकिन इनका जो अकाउंट होता है वो UP का हो सकता है और जो इनका सिम होते हैं वो बंगाल के हो सकते हैं, कहीं से भी इनको कोई मिल जाए, अपने जहाँ जो अपने लोकल है झारखंड या वहाँ का सिम वगैरह या अकाउंट वहाँ का यूज़ नहीं करते कि पुलिस डायरेक्टली वहाँ तक